नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 13 सितंबर। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा कि बुलियन एक रेंज में था बट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। इनिशियल वीक में तो हमने अच्छी तेजी देखी बट लास्ट में हमने फिर से बिकवाली बनते हुए देखी। बेस मेटल के अंदर हमने देखा फ्रेश डिमांड के चलते प्राइजेस के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी और M6 मेटल इंडेक्स में करीबन 4% की तेजी के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सोने चांदी के अंदर हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आ रही थी, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ में अगर हम बात करें तो बॉन्ड बाइंग की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर लोगों का ध्यान है। अभी भी सोने और चांदी में मार्केट एक स्टैग्नेंट मूव में अटक चुका है। अनलेस रेंटली कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, मार्केट एक दायरे में रहेगी। बट ध्यान रखिए 47,300 और 46,600 ये दायरा एक बड़ा दायरा बना हुआ है। चांदी के अंदर बेस मेटल की वजह से हमें लगता है ये हफ्ते में तेजी बन सकती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर हमने देखा कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक पॉजिटिव मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली $25 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट। वहीं क्रूड के अंदर हमने देखा कि हरिकेन इडा के बाद प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते हमने ये सपोर्ट आते हुए देखा और प्राइजेस करीबन 1.25% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी हमने सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते बड़ी तेजी बनते हुए देखी। प्राइजेस 375 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, जो करीबन 7.5% की तेजी थी। वहीं पूरी बेस मेटल के अंदर भी हमने देखा कि सप्लाई कंसर्न्स को लेकर और फ्रेश डिमांड को लेकर प्राइजेस के अंदर अच्छा खासा उछाल रहा, जिसमें लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, निकल सभी में हमने करीबन 3 से 4% की तेजी आती हुई देखी, जबकि एल्यूमिनियम में हमने 7.5% की तेजी बनते हुए देखी। वहीं हम सिर्फ बुलडेक्स की बात करें तो मार्केट 0.5% की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया, बट अभी भी 14,000 से 14,350 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ कोई बड़ी ट्रिगर नहीं है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर पाए, तो आज के लिए M6 बुलडेक्स में बाय और ड्रॉप की स्ट्रेटेजी रखी। जब तक 14,000 के ऊपर मार्केट मेंटेन है, 14,300 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। वहीं सोने और चांदी में शुक्रवार के सेशन में हमने गिरावट बनते हुए देखी 0.5% से 0.75% की। आज के सेशन में मार्केट दिन में स्टैग्नेंट रहेगा, बट गोल्ड पे आप ध्यान रखिए क्योंकि 46,700 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। प्राइजेस जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है फिर से 47,100 तक के टारगेट देख सकते हैं, जिसमें लेवलिंग करके चलना चाहिए। चांदी में बेस मेटल का सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। 63,500 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग रहेगा, 63,500 के ऊपर ही बाय करके चलिए, जो 64,200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल में पिछले हफ्ते की तेजी कायम रह सकती है क्योंकि प्राइस 5120 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 5120 के ऊपर 5180 से 5200 के टारगेट के लिए, 5200 के टारगेट के लिए क्रूड को लेके चलिए। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, बट 330 के ऊपर काउंटर कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखकर ट्रेड कीजिए। ओवरऑल बड़ी लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए, बेस मेटल के अंदर कायम रहेगा ये तेजी का रूप। बाय और ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। सोमवार का डे है, हो सकता है थोड़ा बहुत पुलबैक देखने मिल जाए, क्योंकि चाइना से अगर हम देखें तो PPI का इंडेक्स भी अच्छा आया जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। पावर कटलमेंट की वजह से भी टाइट सप्लाई की सिचुएशन बनी हुई है, और आज अगर हम देखें तो LME पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट प्राइजेस पे पड़ेगा, बट बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। गोल्ड भी 1790 के करीब है, चांदी $24 के नीचे, जो थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है। डॉलर इंडेक्स 90-60 के करीब है। क्रूड में ब्रेकआउट है 70-50 के ऊपर, $74 तक का लेवल ब्रेंट क्रूड दिखा सकता है। वीक्स में गिरावट है जो इक्विटी मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। डेटा पॉइंट की बात करें तो आज US से फेडरल बजट बैलेंस का डेटा रहना है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है जो डॉलर पे दबाव ला सकता है। चार्टिंग के लिए M6 बुलडेक 14,000 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 14,230 का टारगेट। गोल्ड में भी लेवाली करके चलिए 47,100 के टारगेट के लिए। क्रूड में लेवाली करके चलिए, 5200 का टारगेट रहेगा। वहीं कॉपर में एक पुलबैक अगर 735 तक मिलता है तो लेके चलिए, 750 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। पूरे कमोडिटी मार्केट के अंदर आज तेजी का रुख ओवरऑल रहेगा, बट बेस मेटल पे आप ध्यान रखिए एल्यूमिनियम और लेड, ये दो कमोडिटी टॉपिक दिखाई देती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।